नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत तुल्ला के सुनहाली गांव में और कलीप सिंह के बिल्कुल घर में अभी हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें लाइव तस्वीरें जो हैं अभी आपको कलीप सिंह के घर से दिखाई जा रही है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्लाइडिंग जोन को दिखाएं। ये लाइव तस्वीरें हैं और हम आपको बता दें कि इस इनके घर को भी जो है बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे हो चुका है। 15-20 तरपाल इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय हमें दें सर। जी सर, मैं कलीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हरि सिंह गांव निवासी सुनाली ग्राम पंचायत तुला और मैं वैसे भूतपूर्व प्रधान भी रहा हूँ। तो आपदा तो सारे प्रदेश में आ चुकी है, मुझे उस चीज का भारी अफसोस है, मगर उसमें जान मान हानि का बहुत नुकसान हुआ, उसका हमें बहुत दुख हो रहा है। मगर कुछ परिवार ऐसे हैं जो आपदा से थोड़ा बचे हैं, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां जहां सरकार की सहायता की जरूरत है, जैसे हमारे सॉइल कंजर्वेशन विभाग वन विभाग द्वारा जो है मतलब उन जगहों को खेतों को उन घरों को जो नुकसान से बचाया जा सकता है, मैं करवत प्रार्थना करता हूं अपने उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंद्र नगर जिलाधीश मंडी महोदय व हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां जान मान हानि से लोगों को बचाया जा सकता है सरकार द्वारा, मैं करवर निवेदन करता हूं कि वहां उन विभागों को सॉइल कंजर्वेशन विभाग वन विभाग इनको आदेश दिए जाएं कि जहां जहां भू संरक्षण बड़े जोरों से हो रहा है उसको कुछ धनराशि स्वीकृत की जाए ताकि वहां डंगे और चेकडैम आदि का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे गांव में जो आपदा सनाली में आई हुई है उन घरों का बचाव किया जा सके। अब एक चीज साथ में बताना चाहेंगे, बहुत सही बात आपने कही है, हिमाचल में जो है आपदा जो है लगभग हर क्षेत्र में आई हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि आपदा यहीं पे आई है, लेकिन इसके लिए एक चीज है, जो मकान या जो लोग जो है जिनके मकान जो है खत्म हो गए हैं उन मकानों को तो जो है बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन जहां जहां संभावना है अभी तक भी लोगों को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए या उन घरों को बचाने के लिए, तो सरकार जरूर जिस तरह से भू संरक्षण विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात इन्होंने करी है, तो ये जरूर इसके लिए पहल करनी चाहिए और जिस तरह से वो कर भी रहे हैं अपना काम और यहाँ भी करनी चाहिए। जो सुनाली गांव है या ऐसे कई गांव है जहाँ पे जो है इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है, जानना चाहेंगे ये लैंडस्लाइडिंग हुई कब है यहाँ पे? ये 13/8/2023 को रात को भारी बारिश होने के कारण ऐसा लगा, मैं तो सारी रात जगा ही रहा और अपने ऊपर नीचे भाइयों से टेलीफोनिकली संपर्क बनाए रखे हमने और पूरी रात जो है वो जागते ही रहे, रात जो है पूरी बैठकर काटी हमने। तो जब देखा तो हमारे घरों के नीचे जो है वो भारी श्रृंखलन, जैसे हमारे 3 भाई हैं चतुर सिंह, लाल सिंह, कुलदीप सिंह और ऊपर कुलदीप सिंह है, पार जो है हमारे गाँव में अपना सोन सिंह जी है, उनका तो मकान के नीचे से स्लाइडिंग हो चुकी है। तो मैं करबर प्रार्थना करता हूं कि ये जो आपदा गांव सनाली में आई हुई है तो इसको भी जो है मतलब उसी स्तर से जोड़ा जाए और उसी स्तर से देखा जाए कि हमारे गांव को मतलब सहायता राशि दी जाए ताकि यहां जो है वो भूमि कटाव का जो है वो उसको रोका जा सके। मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, जानना चाहेंगे जिस उम्मीद है सरकार से, पूरी पूर्ण उम्मीद है, मुझे पता है कि पूरी हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई हुई है, मगर फिर भी मैं निवेदन ये करूंगा कि हमारे इन घरों को और खेतों को भू संघलन से बचाया जा सके ताकि हम अपना जीवन जो है वो थोड़ा चिंता मुक्त जी सके। बिल्कुल जी, जिस तरह से घर आप देख सकते हैं, एक काफी अच्छा मकान इन्होंने बनाया है और अपनी जो जिंदगी की पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। एक चीज कहना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात करेंगे विभाग की या प्रशासन की बात करेंगे, फौरी राहत के तौर पे आपकी कोई सहायता हुई है अभी तक या नहीं हुई? जी सर, विभाग आए, राजस्व विभाग के अपने हल्का पटवारी आए, कानगो साहब आए, प्रधान जी आए, सब आए, मगर जो जो उनके मतलब इसके अधिकार लेवल का तो काम था वो किया उन्होंने। तरपाल जो है 2 तरपाल हमें दे दिए थे और जो है बाकी हमने अपने गाँव
भाइयों से, अपने कैप्टन साहब भाई राम सिंह जी हैं, इन्होंने भी कुछ छत्रपाल जो है मैंने गांव सोनाली से ले आए, इधर आगे जो है वो श्रृंखलन हुआ भाई के वहाँ उसको ओढ़ा, तब जाकर के रात दिन इन्होंने भाइयों ने काम किया साथ में, तब जो है घर को बचा रहे हैं हम। दूसरी ओर से हम ये बताना चाहेंगे, दूसरा मकान भी आपको दिखा दें यहीं से, और ये लाल सिंह जी का मकान है और इसमें स्लाइडिंग हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सा नीचे दिखाएं, और नीचे जो है यहाँ पे पूरा लगभग जो है 100 या 150 फुट हम मान के चले तो जो नीचे से एक खड्ड बह रही है, नाला है, उससे लेकर यहाँ तक जो है एक बड़ा स्लाइडिंग हुआ है और ये घर है ऊपर, ये भी काफी अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं से अब खतरा जो है बना हुआ है। ये मकान आपने कहा कि आपके मेरे बड़े भाई लाल सिंह जी का है जी, हाँ जी, और साथ में ही चतुर सिंह जी का है, तीनों मकानों को भारी खतरा हो चुका है, और ये नाला जो है ये हमारे घर की तरफ घूम गया, इसकी वजह से संकलन शुरू हो गया है। और यहाँ जो है मैं यही अनुरोध करूँगा पूर्णतः कि दोबारा जो है यहाँ कुछ चेक डैम और ये ऊपर को स्लाइडिंग के लिए रोकने के लिए प्रबंध किया जाए, मैं ये निवेदन करूँगा सरकार से। क्या करें, ग्रेट वाल इसमें हमारे नाले में ग्रेट वाल लगाए जान, और इसमें क्योंकि इस इलाके में मिनिमम 3 या 4 ग्रेट वाल लगेंगे हमारे, कुछ सोयल वाले लगा दें, कुछ खेती वन विभाग वाले ला दें, कुछ पंचायत वाले लगा दें, क्योंकि हमारी जमीन जो थी 3-4 खेत इससे कट हो गए हैं, तो हम उसका जो पर्चा देके उसमें हमारी जमीन के लिए रोके लिए सोयल कंजर्वेशन वाले ग्रेट वाल लगाने या कुछ भी करना वो लगा जाना, भूमि की भी रक्षा हो जाए और मकानों की भी रक्षा हो जाए हमारे। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही है, और खबर खास इस चीज के लिए आपको बता रहा है ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये रिपोर्ट से जैसे यहाँ पे मालूम हो चला है कि यहाँ पे जो है तीन मकान है और तीनों भाइयों के ये मकान है, और तीनों को ही खतरा बना हुआ है, और ये जो है कम से कम अगर बात करें थोड़ी सी सरकार के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर भी जो है क्रेट बाल लगाए जाए। और जी मैं अपने स्थानीय विधायक प्रकाश राणा जी से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ अपने आप समय निकाल करके निरीक्षण भी करें तथा सरकार को भी थोड़ा सा हमारे बारे में जो है अवगत करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे स्थानीय विधायक जी इन्होंने बात कही है, और जिस तरह से अगर बात करें विधायक महोदय जी की तो वो भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि जरूर जिन फिर वही कहना चाहेंगे जिन घरों को या जिन लोगों को बचाया जाना चाहिए उनको पहल करें, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसमें आप भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो चलिए पूरी रिपोर्ट थी हमारी खबरकास्ट टीवी के लिए आप ग्राउंड जीरो से, मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए हमें गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके इसमें क्रेट वाल जो है लगाए जान, क्रेट वाल लगाए जान यहाँ से नाले से, ताजे हमारे गांव को सारे को जो खड्ड का खतरा है।